not that open. सही दवाई दी गई ना सही पूरी घटना बताओ सर। प्रैक्टिकल के लिए बुलाया था जी। अच्छा। वहाँ से ले गए थे जी टुगलपुर कमेड़ा जी। किसी स्कूल से गए थे? सूर्यदेव पब्लिक स्कूल से जी। अच्छा। कमेड़ा गए, वहाँ क्या हुआ फिर? प्रैक्टिकल दिए जी वहाँ, फिर खिचड़ी बनाई थी जी सांझ को, उसमें नशे की दवा दी गई थी। अच्छा, कितनी लड़कियाँ? अच्छा, खिचड़ी किन लोगों ने बनाई थी? सर पहले तो हमने बनाई थी जी, फिर सर ने बनाई थी। वो आपकी बनाई हुई खिचड़ी का क्या हुआ? वो गिर दी थी जी छत पे, नो कच्चे चावल है। अच्छा, फिर खुद बनाई हमने। हाँ जी। तो क्या मिला? प्रैक्टिकल किस चीज़ का था? हिंदी का जी। अच्छा, क्या प्रैक्टिकल था सचमुच में? हाँ जी, कॉफी बनवाई थी जी प्रैक्टिकल की तरफ से। कोई तारीख घोषित की गई थी प्रैक्टिकल? ये तो पता नहीं जी हमें, पता हम प्रैक्टिकल दिवाए थे जी हमारे। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ? जो बता रहे टीचर ने जो गलत काम किया, गलत काम किया। हाँ जी, क्या बताओ? क्या टीचर ने सब लड़कियों के साथ छेड़खानी करी जी। जो ये लड़की कह रही है वो सच है? क्या क्या घटना हुई? छेड़खानी हुई। किसने करी? प्रिंसिपल सर ने। अच्छा, कहाँ से गया था ये प्रैक्टिकल देने के लिए? आप लोग कहाँ से गए थे? कितने लड़कियाँ गई थी? पूरी बात बताओ। सूर्यदेव पब्लिक स्कूल में से गए थे, योगेश सर लेके गए थे हमको। अच्छा। हाँ जी, 17 लड़की थी हम। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद हमने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी वो कह दिया कि कच्ची है, ऊपर डलवा दी वो छत पे। तो वहाँ से किस समय लेके गए थे? वहाँ किस समय तक रहे? यहाँ से हमें 8 बजे लेके गए थे। क्या कहकर लेके गए थे आपको? प्रैक्टिकल होएंगे कि शाम को रखा वहाँ तुम्हें? हाँ जी। फिर क्या हुआ रात को? क्या हुआ उसने? नशीला जो पदार्थ बता रहे थे, नशीला पदार्थ दे के वहाँ से छेड़खानी करी जी। उन्होंने फिर किराए पे मंगाए थे जी। रात को भी रोका है क्यों? तो क्या कार्रवाई चाहते हो आप ऐसे लोगों के खिलाफ? कार्रवाई चाहते हैं कि सजा होनी चाहिए। आपके साथ कोई महिला टीचर भी गई थी उस वक्त? नहीं जी। ये अभी कल पता लगा हमें, तो वहाँ से मीडिया वाले आए हुए थे कल, उसमें पता लगा कि उनको भाई यहाँ से तो फिर से कुछ लड़की आई हुई थी 10-12, उनने यहाँ रात को रोक के गए प्रैक्टिकल के बहाने से, और उन्हें रात को कुछ खाने में नशीला पदार्थ दिया, और उनकी साथ फिर अश्लील हरकत हुई जिसमें दो लड़की की साथ एक लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ। और उसमें जब हमें पता लगा, हमने जब भी जितने भी वहाँ से स्कूल वाले थे सबको बुलवा के हमने पता करा भाई प्रैक्टिकल चल रहे या नहीं चल रहे। उसमें पता लगा कोई प्रैक्टिकल नहीं चल रहा था। उसके बाद भी मास्टर की मिली भगत थी तो फिर वाले की, और तुगलपुर कमेड़े वाले की जो स्कूल वाला था, तो उसके हमने पुलिस को रिपोर्ट दी और पुलिस उसे ठा कर ले गई थी, और फिर पैसे ले गया क्या हुआ वो फिर मास्टर जी रात को छोड़ दिया। हाँ जी वो बता रहा उनको हमारे यहाँ लड़की रही और रात को भी प्रैक्टिकल के बहाने से रोकी, अगले दिन भी प्रैक्टिकल था लेकिन कोई प्रैक्टिकल नहीं था। थाने में आपने किस तरह की शिकायत की थी? हाँ, थाने में शिकायत करी। हमने कहा भाई ऐसा ऐसा घटना हुई, और घटना होने के बाद में हमारे यहाँ लड़की को रोका गया, और उसमें ही हमने वो कार्रवाई के लिए SO आया और SO उठा कर उन्हें ले गया। हाँ, पंचायत हुई, सभी मास्टर जितने भी थे वहाँ, कल्याणकारी LX पब्लिक स्कूल और जितने भी गांव के मान्य लोग थे सभी वहाँ थे, सब पंचायत में। और मास्टर ने हंगी इस बात को, खा मेरे यहाँ लड़की रुकी, और लड़की रुकने के बाद में उनको भाई उसमें वहाँ तोफीर से आई थी और प्रैक्टिकल था। हाँ, संदेह की बात थी, संदेह में ही हो रहा था जी, नहीं तो जिसके पास मान्यता नहीं वो कैसे प्रैक्टिकल दुआ होगा? कोई सरकार का निर्देश ही नहीं है, कुछ नहीं है। हाई स्कूल की छात्रा। पुलिस ने कार्रवाई क्या की अब तक? पुलिस उठा के लेगी, लेकिन नेताओं के दबाव में या क्या हुआ वो परिस्थिति पता नहीं क्या था, वो उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, विद्यालय में बताया जा रहा है कि CCTV कैमरे लगे हुए थे? हाँ, CCTV कैमरे लगे हुए थे, हमने उनसे फुटेज मांगी, पत्रकारों ने भी फुटेज मांगी, उनके साथ बदतमीजी हुई और फिर बाद में उसने कह दिया जी फुटेज डिलीट होगी। अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना प्रकाशी के विभाग द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनकी बेटी जो कि भोपा के एक स्कूल में पढ़ती है, प्रकाशी के एक अकेडमी में एक स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए गई थी, और दोनों स्कूल संचालकों के द्वारा छेड़खानी की तहरीर उनके द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस को दी गई, जिसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ 5 अलग अलग टीमें जिसमें क्राइम ब्रांच और SOG की टीम्स भी शामिल हैं, उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं, और बहुत जल्द ही उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इसी के साथ साथ थाना पुरकाजी के स्तर से की गई लापरवाही के संबंध में एक जांच गठित की गई है। थाना पुरकाजी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से थाने से हटा दिया गया है और यह भी देखा जा रहा है कि इसके अलावा अन्य कौन से पुलिसकर्मी हैं जिसमें इसके द्वारा लापरवाही बरती गई है। अब बहुत ही जल्द इसमें दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।